सो हाय क्लास, तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आपके टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस मीन, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का मतलब कि पी कैपिटल पी, तो टू पॉपुलेशन है तो पी वन और कैपिटल पी टू हो जाएगा, ठीक है। और इसी का सैंपल क्या हो जाएगा, स्मॉल पी वन और पी टू, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे सैंपल एरर ऑफ स्मॉल पी वन माइनस पी टू, क्योंकि जो यहाँ होता है वही हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं आपने ये चीज हो गया, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि यू हैव टू सेट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि एच नॉट इज इक्वल्स टू, कि जो ये दोनों जो भी दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो आपस में क्या है, इक्वल है, मीन्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने बोला था देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल प्रोपोर्शन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है दे आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे पी वन इज इक्वल्स टू पी टू, तो जैसे हमने वो वाली एक्सरसाइज की थी कि एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको आप ये भी लिख सकते हो, और पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आप और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि पी वन जो ये है दिस इज नॉट इक्वल्स टू पी टू, मीन्स कि जो दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो क्या है, आपस में डिफरेंट। अगर टू टेल है तो नॉट इक्वल्स टू, और अगर वन टेल है तो पी वन इज ग्रेटर देन पी टू और पी वन इज लेस देन पी टू। नेक्स्ट है कि आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी वन माइनस पी टू। इसका फॉर्मूला है पी वन, वही जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, पी वन क्यू वन बाय एन वन, या एक टाइप से क्यू वन ही है ये, इसको आप क्यू वन भी लिख सकते हो, प्लस पी टू क्यू टू बाय एन टू। ये कब है, जब आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आर नोन, और वेन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आर नॉट नोन, ठीक है, फिर आप निकालोगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी वन माइनस पी टू, वेयर अगर ये कब है, जब आपका पी वन और पी टू आर नॉट नोन, तो आप क्या यूज करोगे, स्मॉल पी वन और स्मॉल पी टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू वन बाई एन वन प्लस वन बाई एन टू। अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि जो स्मॉल पी की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, एन वन पी वन प्लस एन टू पी टू बाई एन वन एन टू, बस ये याद रख लो, आप ये वाली चीज़ छोड़ दो, ठीक है। तो एन वन पी वन प्लस एन टू पी टू बाई एन वन प्लस एन टू, यहाँ से आपका पी आ जाएगा, फिर यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं वन माइनस पी करके, ठीक है। अब जैसे बस इसके बाद आपको वही चीज़ करना है कि अपनी वैल्यूज को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना है और बताना है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा।